राजधानी लखनऊ के हरौनी चौकी के दरोगा को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिया, जिसके बाद दरोगा को पीजीआई थाने ले जाया गया और एफआईआर दर्ज की गई। एंटी करप्शन टीम को देख दरोगा जी के हाथ पांव पटकने लगे और साथ जाने से मना करने लगे, परंतु एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को दबोच कर घसीटते हुए मौके से ले गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तो दोस्तों नमस्कार, मैं रिशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। जो कभी जनता को दबंगई दिखाते थे उनकी दबंगई धरी रह गई, जो आम जनमानस को रुआब दिखाते थे उनका रुआब धरा रह गया। साहब चीखते रहे, चिल्लाते रहे, हाथ पांव पटकते रहे, परंतु एंटी करप्शन टीम ने साहब को घसीटते हुए ले गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर बन गई सबसे बड़ी खबर। आपको बताते चलें कि एंटी करप्शन टीम के अनुसार 28 अगस्त को बंथरा थाने में किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने की एक एफआईआर दर्ज की गई थी और इस मामले की जाँच दरोगा राहुल त्रिपाठी कर रहे थे, जिसकी जांच के दौरान केस में रेप की धाराएं बढ़ाई गई। इसी मामले में पुलिस ने आरोपी विशाल रावत को एक साथ अन्य व्यक्ति को जेल भेज दिया। ये घटना राजधानी लखनऊ के एमएफ टावर स्थित होटल में हुई थी। इस मामले में दरोगा ने होटल मालिक विनोद कुमार से कई बार पूछताछ की और पूछताछ के दौरान विनोद को उसके होटल में रेप होने की घटना से डराते हुए कहा कि धारा 368 के तहत किसी अगवा शख्स को जानबूझकर पनाह देने के तहत वो उसे आरोपी बना सकता है। साथ ही दरोगा ने कहा यदि वह बचना चाहता है तो उसे 20,000 रुपए दे। दरोगा से त्रस्त होटल मालिक विनोद ने मामले की जानकारी एंटी करप्शन टीम को दी और फिर कल्याण हो गया, दरोगा जी की दरोगाई धरी रह गई। आपको बताते चले कि एंटी करप्शन टीम को सूचना मिलने के बाद टीम ने दरोगा राहुल त्रिपाठी को दबोचने की योजना बनाई और दरोगा द्वारा मांगे गए 20,000 रुपए देने के लिए होटल मालिक को चौकी भेजा गया। चौकी जाकर होटल मालिक ने जैसे ही दरोगा को पैसे दिए, मौके पर मौजूद एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिया और दरोगा जी के तोते उड़ गए। दरोगा जी काफी देर तक छटपटाते रहे, हाथ पांव मारते रहे, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। जिस चौकी में साहब का रुआब चलता था वहां साहब सबको हड़काते थे, उसी चौकी में साहब को आम आदमी की तरह घसीटा गया और चौकी से खींचकर बाहर लाया गया, जिसके बाद पीजीआई थाने में लाकर एफआईआर दर्ज कराई। दरोगा जी की खींचतान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, तो आप भी इस वीडियो को देखें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अरे भैया, मैंने मैं जाती हूँ।